वेलकम बैक टू कोस्टी चैनल। आज मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से नेक पिलो बनाना शेयर कर रही हूँ। इसे आप ड्राइविंग करते समय भी पहन सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो भी इस पिलो को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये मेरे पास नील का कपड़ा था, ये वेलवेट की तरह ही होता है। इसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से सेट कर लिया है। ऊपर वाली साइड से ये कपड़ा उल्टा है और अंदर वाली साइड से सीधा है। अब इसकी चौड़ाई 21 इंच है, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 21 इंच और दूसरी साइड से भी 21 इंच और लंबाई इसकी 18 इंच। अब दोनों साइड से कपड़े को इस तरीके से उठाकर दूसरी साइड रखकर सेट करना है और उस साइड से उठाकर अब उसके ऊपर रख देना है। बंद वाली साइड जो हैं वो अपनी तरफ हैं और जो खुली साइड हैं वो दूसरी तरफ हैं। अब इंची टेप से बंद वाली साइड से हमें नाप कर देखना है। ये 9 इंच है, तो 9-9 इंच पर इस तरीके से निशान लगाने हैं। अब इसी तरीके से नीचे वाली साइड भी 2 इंच पर रखकर हमें गोलाई में निशान लगाने हैं। अब गोलाई में जो निशान लगाया है वहां से कटिंग कर लेनी है। ये ज्यादा तह है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके भी इस कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। अब इस गोलाई की भी कटिंग कर लेनी है। अब मैं आपको इसे खोलकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से इस कपड़े की शेप आएगी। ये प्लेट ली है, यहाँ पर इस तरीके से इसे रखना है और गोलाई में निशान लगा लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी गोलाई में निशान लगा सकते हैं। अब यहां से गोलाई की कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए नेक पिलो की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमें 4-5 इंच तक 2 निशान लगा लेने हैं, यहाँ से स्टिचिंग नहीं करनी है और पूरी गोलाई में स्टिचिंग कर लेनी है। अब जो निशान लगाए हैं वहाँ से अब इसे स्टिच करना है। दोनों कपड़ों को बराबर मिलाते हुए आधे इंच पर स्टिचिंग करनी है।
इस पिल्लो की कटिंग करना मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताई है, आप इस पिल्लो को घर पर भी बना सकते हैं। इसे मैंने स्टिच कर लिया है, अब यहाँ से हमें इसे छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने से जो फोल्ड होगा बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब इसे यहाँ से सीधा कर लेना है। ये मेरे पास फाइबर है, अब इसे पिल्लो में डालते जाना है। अगर आपके पास फाइबर नहीं है तो आप इसमें रुई भी डाल सकते हैं। अब आप इस तरीके से चेक करके देख लें, अगर फाइबर और डालनी है तो आप इसमें डाल सकते हैं। फाइबर को पिल्लो के अंदर डाल दिया है। अब सुई में मैंने धागा डाला है, इस साइड से जहां से स्टिच नहीं किया था इसे दोनों कपड़ों को मिलाकर स्टिच कर लेना है। देखिए नेक पिल्लो बनकर तैयार हो गया है। नेक पिल्लो बनाने की वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, शेयर करें। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।